ये मेरा बिरयानी स्टीमर। तो ये कुछ ऐसे चीज है जो कि आप पैसे देके भी खरीद नहीं सकते। गुड इवनिंग, टाइम हुआ है 5:12। दिखा के कोई फायदा नहीं बिकॉज कलर कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आज हमारे घर में बहुत सारे चीजें चेंजेस हुआ है। लास्ट कुछ महीनों से आप लोग यहाँ पे कुछ देख रहे थे ना, वो सारे चीजें निकल दिया गया है। मतलब अभी घर को धीरे धीरे खाली किया जा रहा है। YouTube प्ले बटन्स के जो पैकेट से ये अभी तक हमारे ऑफिस में रखा गया था, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे चीजें रखने की जगह नहीं है। और ये है प्ले बटन्स जो कि अभी हम इसे रिमूव करेंगे, इसमें डालेंगे और एक एक करके इसे पैक करेंगे। और यहाँ पर भी हमने कई सारे पैकिंग मैं और मासी मिलके दोनों मिलके करके रखे है। इसके अंदर है बहुत सारे चीजें जैसे कि कुशन वगैरह और जितने भी अच्छे अच्छे मतलब फॉरी जो मैट्स थे वो इस बक्से में है। मेरा सबसे प्यारा चीज, सारे डेकोरेटिव आइटम्स और सारे लाइट के चीज वगैरह सब कुछ है वहां पर। ओ ओ ओ अच्छा, हमारा पेंटिंग था वो सारे काम हो चुका है। और अभी आए हम किचन में क्योंकि आज इसी खुशी में हम बनाने वाले एक सुपर डुपर हिट डिनर। ये रहा चावल, तो अभी हम बनाएंगे राइस और वो भी मटन बिरयानी का। उस दिन हम मटन बनाए थे ना, तो उस टाइम में काफी सारा मटन रह गया था। जब भी हम घर में मटन बनाते हैं तो बहुत ही कम पोर्शन का बनाते हैं ताकि हमें अगर मन भी करे तो भी हम दो या तीन पीस से ज्यादा खाने आ पाए। तो इसमें मटन ऑलरेडी मैंने दोपहर को ही मैरिनेट करके रखा है बिरयानी के लिए, क्योंकि ये जो सारे मैरिनेशन के काम है, कटिंग पेस्टिंग, ये सारे चीजें मैं पहले से करके रखती हूँ। ये कॉपर मेजरिंग कप है, अगर आप चाहे तो इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये बहुत दिनों का मेरा मन था कि मैं अपने बेकिंग के लिए ये सारे मेजर कप की यूज करूँ। बैंगलोर जाने के बाद फिर से मेरा बेकिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये बिरयानी का राइस है और इसमें ये सारे जो खड़ा मसाले है ये मैं डाल दूंगी, उसके बाद इसमें सॉल्ट डालूंगी और फिर ऑयल। तो ये रहा मेरा वो दो फैन जो कि उस दिन मैं आपको ब्लॉग में दिखाई थी ना कि आया था जस्ट, तो ये दो छोटे छोटे और बहुत ही लाइट वेट एंड इजी टू कैरी, मतलब जहां पर भी चाहे आप यूज कर सकते हो, इसलिए मैंने लिया है। एक्चुअली क्या है ना कि अभी जबकि बैंगलोर जाने के बाद पूरा किचन वगैरह सब मुझे ही संभालना पड़ेगा, तो किचन में काम करते हुए समर में बहुत ज्यादा सफोकेशन फील होता है। स्वेट वैसे वहां पे नहीं होता पर बहुत ज्यादा गर्मी लग जाती है, तो वहां पे तो एसी या फैन पॉसिबल नहीं है। तो ये सारे फैन वहाँ पे मैं यूज कर सकती हूँ किचन के लिए, मतलब आपके लिए भी मैं बोलना चाहूंगी कि आप किचन में इस तरह के फैन यूज कर सकते हो। ये देखो बिल्कुल ऐसे पैकेजिंग में आते हैं, बिल्कुल ग्लोब की तरह ना बहुत क्यूट है। और ये जो है इस फैन का तो रिमोट भी है इसके साथ में, बेडरूम में चाहे तो आप बैल्कनी में भी यूज कर सकते हो, जैसे कि बैल्कनी में भी हमारा बहुत ज्यादा काम रहता है समर में, इतने धूप में जब आप कपड़े सुखाने जाओगे तो पीछे से आपको भी आराम देगा और आप भी कपड़ों को सुखा दोगे। तो बिल्कुल इस तरह से मल्टीपल यूजेस इसका हम कर सकते हैं। तो ये दो है आयरिश ओयामा का एयर सर्कुलेटर फैन, ये है PCF MKM15 टेबल फैन और ये है PCF SC15T टेबल फैन और ये है जापान का नंबर 1 एयर सर्कुलेटर फैन ऑल्सो MKM15। ये लाइट वेट और इजी टू कैरी है और 30 मीटर तक स्ट्रॉन्ग विंड सर्कुलेट कर सकता है और ये लो नॉइस फैन है। इसके अलावा भी 65 डिग्री तक ये लेफ्ट राइट ऑटोमेटिक स्विंग कर सकता है और इसका क्लीनिंग भी बहुत ईजी है। और ये एयर सर्कुलेटर फैन सिर्फ एक फैन ही नहीं, ये आपके रूम के एयर के जो सर्कुलेशन है उसे एनहांस करता है थैंक्स टू पेटेंटेड डिजाइन ब्लेड। इसके कारण ये वॉर्टेक्स एयर जनरेट करता है जो कि कन्वेंशनल जो फैन है उससे भी दूर तक इसका एयर फैलता है। ऑल्सो एयर सर्कुलेशन इम्प्रूव करना हु के टॉप 3 एडवाइसेस में से आता है। और अभी बात करते हैं SC15T टेबल फैन के बारे में। सो गाइस ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है पर पावरफुल है और इसे आप मल्टीपर्पज में यूज कर सकते हैं, जैसे कि इसे आप समर में एयर सर्कुलेटर के हिसाब से कम में लगा सकते हैं, इसे आप क्लोथ्स ड्राई करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि रेनी सीजन में बहुत मुश्किल होता है कि बाहर जाके हम कपड़े सुखाएं, उस टाइम में आप इसे क्लोथ ड्रायर के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं और समर में तो ऑब्वियसली आप इसे एयर सर्कुलेटर के हिसाब से भी कम में लगा सकते हैं। और स्पेशली मैंने इसे लिया है किचन और बैल्कनी के लिए क्योंकि किचन में बहुत ज्यादा इसकी जरूरत पड़ती है और वहां पे हम कोई फैन या कोई एसी भी लगा नहीं सकते, तो गैस स्टोव के बिल्कुल साइड में इसे हम लगाते हैं तो इस तरफ हम कुकिंग करेंगे और इस तरफ हमारे ऊपर थोड़ा सा हवा आ जाएगा, अच्छा लगेगा। और इसे आप क्विक वेंटिलेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं और इसके साथ एक छोटा सा क्यूट सा रिमोट भी दिया गया है जिसके थ्रू इसे आप लेफ्ट राइट अप डाउन में स्विंग भी करवा सकते हैं। और ये पहले वाला की तरह बिल्कुल इसकी तरह
बहुत ही लाइट वेट और इजी टू कैरी है। एंड गाइज मेरे हिसाब से तो हर घर में ऐसे एक प्रीमियम फैन होना बहुत ज़रूरी है, जो कि है लाइट वेट और इजी टू कैरी और बहुत दूर तक इसका हवा भी फैलता है और एयर सर्कुलेशन ना हमारे हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, बिकॉज घर में जितना एयर आपके सर्कुलेट करे, क्योंकि जो कन्वेंशनल फैन है वो एक जगह पे आपका हवा सर्कुलेट करता है, पर ये पूरे रूम में एयर सर्कुलेट करता है। तो इसका अगर लिंक आपको चाहिए गाइस तो ये मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, अगर आप चाहे तो आप ले भी सकते हैं और इसे ट्राई भी कर सकते हैं और आपके लाइफ को और भी ज्यादा कन्वीनियंट बना सकते हैं। तो अब ये राइस होता है, क्योंकि ये बनने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक मैं झटपट से जो प्ले बटन से वो निकालू और पैकेट के अंदर डाल दू। जो कि आप पैसे देके भी खरीद नहीं सकते, तो इसलिए सबसे अच्छी तरह से इसे पैकिंग करना पड़ेगा। इंग्लिश एग्जाम में आगे दिन सुधा आश्रम तापर लास्ट। अब जैसे कि दुनिया में बहुत सारी चीजें बदलते हैं, बिल्कुल उसी तरह से घर के मर्द अभी बालकनी में जाके गप्पे लड़ाते हैं और घर के औरतें काम करते हैं। ये तीन मर्द अभी तक ये यूटिलिटी में खड़े होके बातचीत कर रहे थे और यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा था। डिस्कस, अच्छा, और ये दो मर्द के साथ तुम्हें डिस्कस करना शोभा देता है? ओके, आप में से बहुत सारे लोगों ने आर्यन के ये जो हुआ था ना खर्च, उसके बारे में पूछा था, तो ये काफी हद तक ठीक हो चुका है, पूरा हील हो चुका है। तो यहाँ पे रेडी है हमारा बिरयानी का राइस और इसमें मैं राइस बनाई थी ना, तो इसमें मैं मटन बना लूंगी। जितना कम बर्तन होता है उतना ही कम यूज करना ठीक रहता है, बिकॉज मैं मांझू या मासी मांझे, मेहनत तो जाता है ना। तो इसमें मैं मटन बना दूंगी, पर मटन बनाने के बाद मुझे इसे प्रेशर कुकर में ट्रांसफर करना ही पड़ेगा, अदरवाइज मटन टेंडर नहीं होता। So glad you came. Had we met before, laughing instantly, but it didn't feel like thunder or lightning, but something struck me when I was looking into your eyes. Wasn't love at first sight, of fire burning bright, but now संवाददाताओं के सूत्र से पता चला है कि हमारे नए रेंटेड हाउस के एक बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है और एक बाथरूम में ओवरफ्लो हो रहा है पानी। आर्यन और मिथुन दोनों बहुत मजे कर रहे हैं, मतलब अभी से उनका उछल कूद शुरू के फिर से मेरे हाथ का अच्छा अच्छा बना हुआ खाना इनको मिलेगा। हाँ, उस हिसाब से ये देखो किसी और का भी उछल कूद शुरू। तो यहाँ पे हमारा बिरयानी का प्रोसेस फुल ऑन, मम्मा और आर्यन दोनों मिलके। तो ये रहा फ्राइड अनियन, बिरयानी सेट करने के टाइम में यूज करेंगे और यहाँ पे चल रहा है मटन का तैयारी। ढेर सारा प्याज आराम से फ्राई हो रहा है विद गरम मसाला पाउडर और ये रहा मटन जो कि मैरिनेटेड है और मैं बहुत पहले इसे फ्रीज से निकल गया है। आप देख सकते हो मटन है हमारा रेडी और इतना लेजीज मटन। एक्चुअली यहाँ पे ऑयल आपको थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, बिरयानी अगर जूसी ना होता है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो बिरयानी में ऑयल ऑब्वियसली थोड़ा सा तो ज्यादा होगा क्योंकि पूरे राइस के साथ ये मटन मिक्स हो जाएगा। मटन खुद भी कुछ ऑयल छोड़ता है तो उस हिसाब से भी कभी कम कभी ज्यादा हो जाता है, हमारे हिसाब के बाहर हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बिरयानी का आधा प्रोसेस करके रखी है, क्योंकि ये आलू अगर इतना टाइम तक पकता ना तो बिल्कुल गल जाता। तो अभी इस आलू के ऊपर ही मैं ये जो मटन है ये स्प्रेड कर दूंगी। तो यहाँ पे आपको एक चीज में
दिखाना चाहूंगी, ये जो ऑयल है ये एक्स्ट्रा डाल दिया है। इतना ऑयल डालने थे तो वो तो मैंने डाल दिया, पर उसके बावजूद भी इतना एक्स्ट्रा ऑयल, मतलब ये ऑयल आपको फेंकना ही पड़ेगा, अपने हेल्थ को भी देना ठीक नहीं है। और इसे आप स्टोर भी नहीं कर सकते क्योंकि वो भी अनहेल्दी होता है, बासी तेल हो जाता है। बोलते ना कि बासी तेल से बना हुआ हर एक खाना अनहेल्दी होता है, तो इसे आपको मजबूरन फेंकना पड़ेगा। और अभी इस लेयर के ऊपर मैं राइस ऐड करूंगी। वैसे तो दो तीन लेयर में अगर बिरयानी हो तो अच्छा लगता है नॉर्मली आप जो देखते हैं, पर राइस इतना कम हम यूज कर रहे हैं, दो तीन लेयर अभी पॉसिबल नहीं है डालना। और एक चीज मैं आपको आज बोल दूं, राइस जब मैंने कुक किया ना, तो राइस के साथ आज पहली बार मैंने कुछ ग्रीन चिली ऐड कर दिया, तो अभी पूरे राइस में से ग्रीन चिली का जो फ्लेवर है वो इतना अच्छा आ रहा है, मतलब आपको अगर मैं एक्सपीरियंस करा सकती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। पर आप प्लीज नेक्स्ट टाइम जब बिरयानी बनाएंगे तो इसे जरूर ट्राई करना। और फिर उसके ऊपर मैं लेयरिंग करूंगी पिस्ता फ्राइड अनियन, और ये पिस्ता ये आपको रेडीमेड भी मिल जाएगा शॉप में। और उसके बाद मैं इनमें मीठा इत्र यूज करूंगी, और मटन कुक करने के टाइम में भी मैंने थोड़ा सा मीठा इत्र यूज किया था। उसके बाद हम ऐड करेंगे केवड़ा वाटर, फिर रोज वाटर, और लास्ट में मैं ऐड करने वाली हूँ घी। चाहे बिरयानी के मटन में ऑयल ज्यादा हो या कम हो, फिर भी आपको थोड़ा सा घी के फ्लेवर के लिए घी यूज करना पड़ेगा। ये है फिलहाल के लिए मेरा बिरयानी स्टीमर। तो ये एक छोटा सा पैन है, तो इसमें पानी डाल के मैं इसके ऊपर इसे चढ़ा दूंगी। कुकिंग करने के टाइम में गैस ओवन के चारों तरफ बिल्कुल ऑयल मसाले से बिल्कुल भर जाता है, और उसके साथ साथ थोड़ा सा अगर आप क्लीनिंग भी कर लेते हो ना, तो आपका चीज आसान हो जाता है, और ये हैबिट बहुत अच्छा है। और आज हमारा ब्रांड का काम है जो कि ऑफिस में हो रहा है, तो आज 9 बजे तक हमारे सारे एम्प्लॉय काम करेंगे, तो उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करने गए हैं। मिथुन घर आए थे चाय पीने के बाद, फिर से चले गए ऑफिस। मिथुन आ गया, उसके बाद फुल चिल करेंगे हम लोग, तो ऐसा कुछ प्लानिंग है। तो चलो अभी किचन से निकलते हैं। सो अभी 10:30 बज चुके हैं, और अभी हम एक मूवी देख रहे हैं। मिथुन, मूवी का नाम क्या है? टॉनिक। मूवी का नाम है टॉनिक, हम लोग देख रहे हैं। अभी हम करने वाले हैं हमारा डिनर, एंड ऑस्कर का डिनर भी अभी रेडी कर रहे हैं। तो चलिए अभी इस लीड को ओपन करते हैं और देखते हैं कि बिरयानी बना कैसा। वाओ, एक्सीलेंट लुक। मटन भी परफेक्ट टेंडर हुआ है, कैसा बना? भूखे वाले तो नहीं बोल रहे हो ना? खाना खाना रिव्यू में हमेशा ट्रस्ट मत करना। इंसान का उस टाइम में मूड कैसा होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि बहुत अगर हंगरी होता है तो हर एक खाना बहुत अच्छा लगता है। वो बात सही है। अच्छा, मटन टेंडर बहुत अच्छा हुआ है। खुशी इस बात की कि बहुत दिनों बाद, मतलब कब से हम जाएंगे पर कोई प्रोसेस हो नहीं रहा था। हर एक जगह पे कहीं ना कहीं हम अटके हुए थे। कोलकाता आने के बाद जो भी रेंट के हाउस में हम रहे, वो ट्रस्ट में दूसरों के घर समझ के हमने कभी यूज नहीं किया, एकदम अपना घर समझ के इसे हमने इसका ख्याल रखा। यहाँ पे रहे, बहुत सारे मेमोरीज जुड़े हुए हैं। अभी इस घर को छोड़ के जा रही हूँ, और उसके साथ साथ कोलकाता को भी छोड़ के जा रही हूँ। बहुत बुरा लग रहा है, बहुत मेमोरीज इस घर में है। दिवाली मनाए, दुर्गा पूजा, क्रिसमस, न्यू ईयर, सब कुछ यहाँ पे मनाए, तभी जाके घर बनता है ना। एक फैमिली जब हर एक फेस्टिवल, हर एक दुख के टाइम, सुख के टाइम, सब चीज एक जगह पे मनाते हैं, तब जाके वो बिल्डिंग घर बनता है। और एक चीज मासी के लिए बहुत बुरा लग रहा है, मासी को इतना ज्यादा मिस करूंगी। बिल्कुल एक माँ की तरह फर्ज निभाया है। जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी तो मेरे साथ क्या होगा, ये ऑपरेशन होता कैसा है, सुना है बहुत सिंपल सा चीज है, पर फिर भी ऑपरेशन होगा। उसके बाद भी मेरा पूरा ध्यान घर के तरफ थे कि आर्यन और ऑस्कर का क्या होगा। उस टाइम में मासी वो एक इंसान थे जो कि उस टाइम में सब कुछ संभाल लिया था। यहाँ पे आने के बाद भी हर एक चीज का ध्यान रखा, मासी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। तो चलो अभी इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, तो फिर आपसे मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। Take care. I think I like it how it is.